उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। हर रोज किसी न किसी की हत्या होती है। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद बदमाश लाश को ठिकाने भी लगा देते हैं। एक बार फिर देवरिया में किसान की हत्या कर दी गई और हत्यारे मौका पाकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस की ओर से जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है। वहीं किसान की पीट कर हत्या के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां सूचना पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर किसान के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। किसान को पीटा ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ था कि कल एक व्यक्ति के खेत में वही गांव के ही एक दूसरे व्यक्ति के कुछ जानवर चले गए, और जब उस व्यक्ति ने गन्ने का खेत था उसने कहा कि हमारी फसल का नुकसान हो रहा है, और उसी चीज़ को लेकर के दोनों पक्षों में तुतुमे में हुई, और एक पक्ष ने जिसके जानवर गए थे उसने एक डंडा, उसके लड़के ने किसी ने एक डंडा उसके मार दिया जिसका खेत था, और उसी मारने में वो उसके सिर में डंडा लग गया और शायद कोई वाइटल पार्ट पे इंजरी आ गई। जब तक उसे अस्पताल ले गए तो रास्ते में उसकी तबीयत काफ़ी गंभीर हो गई, अस्पताल में उसको एडमिट कराया। एडमिट कराने के दौरान, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो पीट पीट के मारने की बात नहीं थी, लेकिन हाँ उसकी चोट लग गई, ऐसी नाजुक जगह चोट लग गई जिससे वो उसकी मृत्यु कारित हो गई। इसमें किसी को गिरफ्तारी हुई है? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसमें असल में परिवार वालों से तहरीर ली जा रही है, तहरीर उनकी तरफ से आ गई है और संबंधित सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके दर्ज कराई जा रही है। इसमें टीम गठित हो गई है और क्षेत्राधिकारी बरहज के नेतृत्व में लगातार उसमें दर्शी दी जा रही है, सीख उसमें गिरफ्तारी होगी और जो भी उचित कार्रवाई है। कितने आरोपी हैं इसमें? अभी तो 5 आरोपियों का पता लगा है, आगे विवेचना का विषय है। तहरीर में 5 आरोपी उन्होंने बताए हैं, विवेचना का विषय है। विवेचना में जो अगर और लोग भी उसमें शामिल होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।